हेलो फ्रेंड्स, रसोईघर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर पनीर। बटर पनीर बनाने के लिए लगने वाली सामग्री इस प्रकार है: बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, पनीर, तेजपत्ता और दालचीनी, एक हरी मिर्च, नमक, बटर, जीरा, कड़ी पत्ता, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च और इलायची। यहाँ पे हमने एक पैन में बटर डाला है। सबसे पहले ये बटर में हम पनीर को रोस्ट कर लेंगे। पनीर अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में और थोड़ा बटर डालेंगे। इसमें डालेंगे तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिरी और लवंग और प्याज। प्याज को हमें अच्छी तरह से ब्राउन होने देना है। प्याज अभी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और टमाटर। टमाटर को अच्छी तरह से पकने देना जब तक ये पानी ना छोड़ दे। यहाँ पे आप देख सकते हो टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसे एक मिक्सर के ग्राइंडर में लेके बारीक कर लेंगे। आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से बारीक हो चुका है। यहाँ पे हमने एक पैन में बटर लिया है। अब हम उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, जीरा और वो बारीक किया हुआ मसाला। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला। थोड़ा सा पानी डाल देना ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। इसे थोड़ी देर पकने देना। ये भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर के टुकड़े। और थोड़ा सा बटर। इसे 2 या 3 मिनट में ऐसे ही रखना। हमारा बटर पनीर बनके रेडी हो चुका है। हम इसे सेपरेट डिश में निकाल के, यहाँ पे हमारा बटर पनीर बनके रेडी हो चुका है।